हेलो दोस्तों दोस्तों साइंस बाई गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड दो लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग लेक्चर 3 को कंप्लीट करेंगे। पीरियोडिक टेबल का ये तीसरा लेक्चर है और ये अंतिम लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक एक टर्म को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके बाहरी सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस और बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का सिंपल मतलब हो गया न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, एटम जो होता है बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए एक एटम का जो साइज है, एक एटम का जो रेडियस है उसको निकाल पाना संभव नहीं है। इसीलिए एटॉमिक रेडियस जब भी हम लोग निकालते हैं तो दो एटम का हम लोग क्या करते हैं, बीच के मतलब डिस्टेंस ले लेते हैं, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं और उसका हाफ कर देते हैं, तो उस तरह एटॉमिक रेडियस निकल जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है ध्यान रखिएगा, बहुत तरह का एटॉमिक रेडियस होता है। एक वंडर वाल रेडियाई होता है, एक मेटालिक रेडियाई होता है और एक कोवेलेंट रेडियाई होता है। अब थोड़ा सा जान लीजिए, वंडर वाल रेडियाई जो होता है याद रखिएगा ये नोबल गैस के लिए होता है। नोबल गैस जो भी एटम है जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सब का जो रेडियाई होगा उसको वंडर वाल रेडियाई बोलेंगे। मेटालिक रेडियाई क्या है, तो जितना भी मेटल होता है उसका जो रेडियस होगा उसको मेटालिक रेडियाई बोलेंगे और जितना भी कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियाई बोलेंगे। जिसमें नॉन मेटल आएगा जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो कोवेलेंट रेडियाई नॉन मेटल के लिए होगा, मेटालिक रेडियाई मेटल के लिए होगा और वान डर वाल रेडियाई जो है होगा वो किसके लिए होगा, नोबल गैस के लिए होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें जो सबसे बड़ा जो रेडियस होता है वो कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा जो होगा आपका वो होगा वान डर वाल रेडियाई, उसके बाद कौन होगा, मेटालिक रेडियाई और सबसे छोटा कौन होगा, कोवेलेंट रेडियाई होगा। क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई में थोड़ा बहुत एटम एक दूसरे पर ओवरलैप कर लेता है इसलिए इसका रेडियस कम आता है। ठीक है, और वान डर वाल रेडियाई जो होता है उसमें ज़्यादा गैप रहता है एटम के बीच में, इसीलिए वान डर वाल रेडियाई जो होता है बड़ा होता है। अब दोस्तों याद रखेंगे एटॉमिक रेडियस जो होता है अगर हम पीरियड में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जबकि एटॉमिक रेडियस अगर हम ग्रुप में बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर डिक्रीज करेगा, जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों एक और तरह का रेडियस होता है जिसको आयनिक रेडियस बोलेंगे। तो देखिए एटम के अलावा आयन भी होता है, तो एटम का जो रेडियस होगा एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, लेकिन आयन का जो रेडियस होगा उसको आयनिक रेडियस बोलेंगे। तो आयनिक रेडियस का मतलब हो गया दो तरह का रेडियस होगा, क्या कि आयन जो दोस्तों दो तरह का होता है, केटायन और एनायन। ठीक है, तो अगर कोनो केटायन है तो उसके न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको केटायनिक रेडियस बोलेंगे और अगर एनायन होगा तो एनायनिक रेडियस बोलेंगे। तो याद रखिएगा केटायन मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया और एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जब इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा तो उसका रेडियस छोटा हो जाएगा, जब एनायन मतलब हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों एटॉमिक रेडियस सिंपल है, न्यूट्रल है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा, एनायन हो जाएगा, तो एनायनिक रेडियस बड़ा हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा, केटायन हो जाएगा, तो केटायनिक रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे एनए का अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम का अगर बात करेंगे तो सोडियम माइनस ज़्यादा होगा सोडियम से और सोडियम से भी छोटा होगा सोडियम प्लस, तो सोडियम प्लस से ज़्यादा बड़ा होगा सोडियम का एटॉमिक रेडियस और उससे भी बड़ा होगा सोडियम माइनस का रेडियस। अगला बिंदु हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है एटम का क्षमता इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो एटम जिस क्षमता से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसी क्षमता को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो मान लीजिए दो एटम है, एक एटम ए है और एक एटम बी है, दोनों क्या कर रहा है, शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड है ए और बी के बीच में है, ए जो है अधिक दबंग है, ए क्या करेगा अपने तरफ खींचेगा। अब ये ए जो है इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का ये जो क्षमता है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इट्सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब
जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको खींचने का, अपने तरफ खींचने का जो क्षमता होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। जो अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, जो अधिक दबंग होगा, वह इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और जो कम दबंग होगा, कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पे ए जो है अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और बी जो है कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इसीलिए ए अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। अब याद रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा दबंग होता है, वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ कोई भी अगर एटम कंबाइंड करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, तो फ्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लेगा। उसके बाद दबंग कौन होता है? ऑक्सीजन। और उसके बाद कौन होता है? नाइट्रोजन। उसके बाद होता है क्लोरीन। ये चार पॉइंट आप याद रखिएगा। तो सबसे अधिक कौन दबंग होगा, मतलब सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। उसके बाद कौन होगा? ऑक्सीजन। उसके बाद होगा नाइट्रोजन। ये तीन जरूर याद रखिएगा, फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और याद रखिएगा, हाइलोजन के पास सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है, क्योंकि हाइलोजन को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है, ठीक है। हाइलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, और उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इसीलिए हाइलोजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो होता है बहुत अधिक होता है, और उसमें भी सबसे अधिक किसका होगा? फ्लोरीन का, ठीक है। तो फ्लोरीन के पास सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है, सबसे अधिक दबंग होगा, जबकि सीजियम के पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, मतलब सीजियम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, तो किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है, उसी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, एटम जो होना चाहिए गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तो कोई गैसियस स्टेट में कोई एटम होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, और उसको हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और जितना एनर्जी लगेगा उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखिएगा, किसी सिंगल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगता है, उस ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और वो एटम किस रूप में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अब याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा हमेशा इंडोथर्मिक होगा, हमेशा आपको एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। नोबल गैस जो होता है दोस्तों, उसका ऑक्टेट पूरा होता है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब, सबसे अधिक अगर आयोनाइजेशन एनर्जी होता है तो किसका होता है? नोबल गैस का होता है, और नोबल गैस में सबसे अधिक किसका होगा? हीलियम का। तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होगा, मतलब हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। अगला है दोस्तों, आयोनाइजेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगाया, उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना नहीं है, इलेक्ट्रॉन को देना है। तो किसी गैसियस एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी जो रिलीज हुआ, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। अगर कोई एटम सिंगल एटम है, गैसियस स्टेट में है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो उससे एनर्जी रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज हुआ, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी बोलेंगे, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। तो वह एनर्जी जो रिलीज होगा कब? जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब। तो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उस एनर्जी मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। जबकि एटम इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी बोलेंगे। अब याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंडोथर्मिक होगा, हमेशा आपको एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी में दोस्तों क्या होता है, यह हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, हमेशा हीट रिलीज होगा, लेकिन कुछ केस में हीट रिलीज ना होके आप ही को हीट देना पड़ता है, मतलब इंडोथर्मिक होता है। जैसे नोबल गैस के केस में बात करेंगे, तो नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा है, उस केस में आपको ज़बरदस्ती एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को रख ले, और उस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी होगा वो इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन कुछ केस में वो इंडोथर्मिक भी हो सकता है। याद रखिएगा, क्लोरीन के पास सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी होता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता या आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी होता, ये तीनों जो होता है उल्टा होता है एटॉमिक साइज के।
एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो ये तीनों के तीनों क्या होगा, घटेगा, या देखिएगा। इसीलिए एटॉमिक साइज का हम बात करेंगे तो एटॉमिक साइज होता है दोस्तों, अगर हम पीरियड में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, आपको बता चुके हैं। जबकि ग्रुप में बात करेंगे, टॉप टू बॉटम बात करेंगे ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करें, ये सब के सब अगर हम पीरियड में बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज घटता है, इसीलिए ये तीनों का होगा, बढ़ेगा। जबकि अगर ग्रुप में बात करेंगे, ऊपर से नीचे ग्रुप में बात करेंगे, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसीलिए ये तीनों के तीनों जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी होता, या आयोनाइजेशन एनर्जी, या उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये तीनों के तीनों क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पीरियड में बढ़ेगा, जबकि ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये जस्ट उल्टा होगा एटॉमिक साइज के। अब दोस्तों एक तरह का और एनर्जी होता है, उसको ध्यान रखेंगे, लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, जब एक मोल, ठीक है, जब एक मोल आयन कंबाइंड होके जब मिलेगा, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। एक मोल अगर आयनिक कंपाउंड बनता है, तो उसको बनने में जो एनर्जी रिलीज हुआ उसी को बोलेंगे लैटिस एनर्जी। जैसे एक मोल सोडियम आयन ले लिए और एक मोल क्लोरीन आयन ले लिए, दोनों को कंबाइंड किए तो बना एक मोल NaCl बना, तो एक मोल Na और एक मोल Cl से एक मोल NaCl बन गया, एक मोल NaCl कंपाउंड हो गया कॉमन सॉल्ट। अब ये जो बना, इसमें बहुत सारा एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब ये जितना एनर्जी रिलीज हुआ उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि NaCl जो बनता है उसको लैटिस बोलते हैं। तो लैटिस को बनाने में जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको लैटिस एनर्जी हम लोग बोलते हैं। अब एक याद रखेंगे दोस्तों, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, कोई भी अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो रहना चाहिए, पानी रहना चाहिए, ठीक है। तो एक मोल अगर कंपाउंड को अगर आप पानी में घोलते हैं, तो एक मोल कंपाउंड को अगर आप पानी में घोलते हैं, तो जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एक मोल कंपाउंड को घोलने से पानी में जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंपाउंड जो होगा पानी में घुलेगा कब, जब हाइड्रेशन एनर्जी उसका लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा तब। और वह कंपाउंड पानी में नहीं घुलेगा, इनसॉल्युबल होगा कब, जब हाइड्रेशन एनर्जी उसका लैटिस एनर्जी से कम हो जाएगा तब। तो हाइड्रेशन एनर्जी उस कंपाउंड का उसके लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा तो घुल जाएगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी उसका लैटिस एनर्जी से कम होगा तो वह पानी में नहीं घुलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, उसको याद रखना है। जैसे एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है ब्रोमीन, ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है मरकरी, ऐसा मेटल जो होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और वह हमारे हथेली पर भी वो पिघल जाता है, कौन है, गैलियम है, सीजियम है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मेटल में बात करेंगे तो टंगस्टन का होता है, 3380 होता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट करेंगे पूरे सब्सटेंस में, पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो कार्बन होता है 4100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाईएस्ट डेंसिटी किसका होता है, याद रखिएगा, ऑस्मियम का और इरिडियम का होता है। हाईएस्ट लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का मेटल कौन होता है, लिथियम होता है। बेस्ट कंडक्टर कौन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर होता है, ठीक है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन है, सबसे हार्ड कौन होता है, डायमंड होता है, जो कार्बन का फॉर्म होता है। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होता है तो क्लोरीन होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। एलिमेंट हैविंग लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, सीजियम का होता है। द मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट, सबसे अधिक इलेक्ट्रोपोजिटिव कौन होता है, सीजियम। मोस्ट पॉइजनस मेटल, सबसे अधिक पॉइजनस मेटल कौन होता है, प्लूटोनियम। लीस्ट कंडक्टर एमोंग मेटल्स, ठीक है, सबसे पुअर कंडक्टर कौन होता है मेटल में, लीड होता है। सबसे भारी जो एलिमेंट होता है कौन होता है, यूरेनियम 92238। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसका मास नंबर कितना होता है, 238 होता है। ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में होता है वो कौन होता है, फ्रांसियम होता है। ऐसा एलिमेंट जिसका टेंसाइल स्ट्रेस मतलब लोड सहने का क्षमता अधिक होता है वो कौन होता है, ब्रोन होता है। सबसे अधिक मेलेबल मेटल कौन होता है, गोल्ड होता है। और ऐसा एलिमेंट जिसका मैक्सिमम टेंडेंसी होता है कैटिनेशन, मतलब खुद के साथ जुड़ने का क्षमता सबसे अधिक किसके पास होता है, कार्बन का। और कार्बन का इस गुण को कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा कार्बन एक दूसरे से जुड़कर लंबा लंबा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं।
दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट्स हो उसके कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।